10 बजे से हम लोग खड़े हैं, नंबर इन्होंने आधार कलेक्शन हम लोगों से करवा लिया और उसके बाद अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे तीसरे को जिसको जो बुझा रहा है बुला रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं और वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है। कल भी आए थे, कल 3 बजे आए थे, एक आदमी का वैक्सीनेशन नहीं पड़ पाया जबकि 4 बजे तक टाइमिंग है। लोगों का शिकायत आएगा, लेट लगेगा, काम जो हो रहा है संख्या कम है, लोग ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी। कोविड की बढ़ती रफ्तार और वैक्सीन लेने वालों की लंबी तादाद क्या कुछ कहती है। मैं पटना के IGMS हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ लोगों की उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है। मैं लोगों तक लेकर चलूं, तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन उससे पहले आपको जरा आंकड़े बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले बिहार में आए हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या अब 1,10,000 के पार है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन लोगों की है जो लोग इस वक्त वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं, अपनी दूसरी या पहली डोज लेने के लिए। अब हालांकि बिहार में अभी भी 18 साल से 45 साल तक के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि वैक्सीन की जो खेप है वो बिहार अभी नहीं पहुंची है। इस बीच तमाम लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो डोज लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार। पहली डोज जी। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कब कराया था और कितना लंबा इंतजार करा? कल रजिस्ट्रेशन करवाया था ऑनलाइन। अभी तो बैठे खड़ा, लाइन में खड़ा है जी। दिखा दूं क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो कैसी नजर आ रही है। COVID-19 का टीकाकरण सोमवार से शुक्रवार तक होगा जो कि एक निर्धारित वक्त तय किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन के डोजेज ही दिए जाएंगे और इसलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर नाम ले लेकर लोगों को बुलाया जा रहा है जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन पहले से कराया हुआ है। और ये देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की तरफ से सहयोग अगर नहीं मिलती है तो इस तरीके से जो है वो अनाउंस किया जाता है और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से अनाउंस किया जा रहा है। क्या सर आप कुछ बता रहे थे, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत यहाँ से 10 बजे से हम लोग खड़े हैं, नंबर इन्होंने आधार कलेक्शन हम लोगों से करवा लिया और उसके बाद अपने पास रखे हुए हैं और दूसरे तीसरे को जिसको जो बुझा रहा है बुला रहे हैं, अंदर घुसा रहे हैं और वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर इसी के चलते भीड़ देख रहे हैं, काफी भीड़ लग चुकी है और कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ये अंदर से लव करके अंदर ही रह जा रहे हैं ये लोग। अब बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बाहर क्या नहीं हो रही है, क्या बात है, इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। मंटू कुमार नाम है। कल दादाजी को 3 बजे हम लेकर यहाँ पर आए थे, चूंकि टाइम है 4 बजे तक, लेकिन बोले कि नहीं लॉकडाउन होता है तो हम लोग को सब्जी वगैरह खरीदने में देर दिक्कत होती है, चाहे बाहर जाने में दिक्कत होती है। कल हम लौट गए, फिर आज 10 बजे आए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरे आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग का केवल जमा किया हुआ है और वैक्सीनेशन है, पर वहाँ दादाजी बैठे हुए देखिए 80 ईयर्स उनका ओल्ड उम्र है, यहाँ सही ढंग से नहीं हो पा रहा। इंतजार तो कर रहे हैं, कल भी आए थे, कल 3 बजे आए थे, एक आदमी का वैक्सीनेशन नहीं पड़ पाया जबकि 4 बजे तक टाइमिंग है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हो रहा काम करने। अच्छा मुझे बताइए तो क्या करते हैं, पता है ना, काम करने दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लोगों की शिकायत क्यों आ रही है, मैं वही तो आपसे जान। लोगों का शिकायत आएगा, लेट लगेगा, मात्रा कम है, सुन लीजिए ना आप, यहाँ काम जो हो रहा है संख्या कम है, लोग ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से गड़बड़ी होगी। वैक्सीन के डोजेस यहाँ पर डोजेज फुल है, बेनिफिशियरी है, डोजेज फुल है, बेनिफिशियरी। उसके बाद भी इनकी तरफ से ये सकारात्मक टिप्पणी है और अगर कभी देखिए स्टाफ की कमी की वजह से या किसी भी और कारण से अगर कोई अव्यवस्था होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने खुद पहल की है। आई एम अ डॉक्टर हियर, आई एम लुकिंग आफ्टर द क्लिनिक और हम लोगों ने आके इनसे संवाद किया है, लोगों की शिकायत सुनी है और अभी मैं खुद ये लिस्ट बना रहा हूँ ताकि इनका सुचारू रूप से टीकाकरण किया जा सके। जो 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 इनको विलंब हुआ है उसके लिए हम थोड़ा खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आगे व्यवस्था सही रहे इसके लिए इनका भी सहयोग चाहिए। मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, क्या ऐसा है कि जितनी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीन आपके पास उतने पर्याप्त हैं? अभी हमारे पास पर्याप्त है। यहाँ पर जो है ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल इनका कहना है कि वैक्सीन डोजेस जो है वो पर्याप्त है और इसी तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लोग वैक्सीनेशन का डोज लेने आते हैं तो लोगों की तरफ से उस तरीके से कोऑपरेट नहीं किया जाता है, डॉक्टर्स को दिक्कत होती है। फिलहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन
वही सवाल है कि 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस खेप की बात की जा रही है कि वैक्सीन की बड़ी खेप बिहार पहुंचने वाली है मई के महीने में, वो अभी तक नहीं पहुंची है, इसलिए लंबा इंतजार है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नीतिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।